कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा के लिए क्या है खास इंतजाम? बिस्तर लगे हुए हैं, ऊपर एयर कंडीशन है, पंखा है। यात्रा के साथ चलते हैं 60 कंटेनर। बाहर से देखने पर ये मुझे लगता है जैसे मैं किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में आ गया हूँ। कंटेनर में रात गुजारते हैं पदयात्री। संघर्ष तो है लेकिन इतने बड़े मिशन पर निकले हैं तो एडजस्ट करना है। एबीपी न्यूज पर यात्रा की हर अपडेट। भारत जोड़ो यात्रा की नाइट रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और अभी उनकी यात्रा तमिलनाडु में ही है। हर दिन 20 किलोमीटर यात्रा सफर ये कर रहे हैं और इस दौरान रात्रि विश्राम के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। यात्रा के साथ ही ट्रक पर 60 कंटेनर चलते हैं जिसमें लोगों के रहने और खान पान का इंतजाम किया गया है। एबीपी न्यूज की टीम कंटेनर के भीतर से आपको हर तस्वीर दिखाएगी और हमारे संवाददाता जैनेन्द्र आपको दिखाएंगे कि आखिर कंटेनर के अंदर क्या सुविधाएं हैं। 60 के करीब में कंटेनर तैयार किए गए हैं खासतौर पर यात्रियों को रहने के लिए और ऐसे ही एक कंटेनर के अंदर हम आ रहे हैं और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी प्रवीण दीक्षित हैं और उनके साथ हम एक मौजूद है कंटेनर में। ये देखिए, ये इस तरीके से बिस्तर लगे हुए हैं, ऊपर एयर कंडीशन है, पंखा है। तो ये दो बिस्तरों वाला कंटेनर है जैसा जयराम रमेश ने बताया, एक बिस्तर के अलावा दूसरा बिस्तर और एक छोटी सी जगह है सामान रखने के लिए। जिस तरीके से ट्रेन में कंपार्टमेंट बने होते हैं कुछ उसी तरीके से इन कंटेनरों को कंपार्टमेंट का रूप दिया गया है और साथ में कंटेनरों के साथ अटैच है इस तरीके का वॉशरूम, शौचालय जिसमें कि फ्रेश होने की सुविधा है, यात्रियों की गीजर है, आईना है। तो एक जो दिनचर्या की जो सामान्य जरूरत होती है उसकी आपूर्ति के तौर पर इंतजाम किए गए हैं। एसी तो लगा है, छोटी सी खिड़की भी वेंटिलेशन के लिए बनी हुई है। तो इस एक छोटी सी झलक है कंटेनर के अंदर से और इसी तरीके से तमाम कंटेनर डिजाइन किए गए हैं ताकि जो तकरीबन 200 से 250 पदयात्री रात को विश्राम करते हैं नाइट कैंप में, वो सुविधाजनक तरीके से और आरामदेह तरीके से रात गुजार सके। जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात भी करते रहेंगे। दो रातें मैंने काटा है और मैं कंटेनर के अंदर करीब 11:30 बजे या 12:45 बजे जाता हूं, 5:30 बजे 6:45 बजे निकल जाता हूं। कंटेनर यहां से अगले स्थान पर चले जाता है 7:30 बजे और दूसरी जगह पर। तो रोज ऐसे ही सिस्टम तो है। मुझे लगता है पहली दफा आप इस तरीके के कंटेनर में सो रहे होंगे तो अनुभव। हाँ बिल्कुल, मैं तो पहली बार ऐसे कंटेनर में सो रहा हूँ। ये तो स्लीपर कंपार्टमेंट के माफिक है, अटैच बाथरूम है, खुले में शौच करने से यही अच्छा है। ओपन डेफिकेशन इंडिया, स्वच्छ भारत, ये स्वच्छ भारत का एक नमूना है। हालांकि स्वच्छ भारत के पहले निर्मल भारत अभियान था, तो ये निर्मल भारत अभियान को हमारे प्रधानमंत्री ने उसको नया नाम दे दिया स्वच्छ भारत। तो ये स्वच्छ भारत या निर्मल भारत का एक प्रतीक है। हमें बताया गया है कि इसमें 12 बिस्तर हैं और बाहर से देखने पर ये मुझे लगता है जैसे मैं किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में आ गया हूँ। पर्दे लगे हुए हैं और पंखा ऊपर चल रहा है, रोशनी है और एसी भी है और जो वातावरण है वो काफी सुगंधित है। शायद अगरबत्ती वगैरह इन लोगों ने जलाई, अच्छा पूजा कर रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। तो इनकी पूजा की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, पहले दिखा दें कि किस तरह से डिजाइन किया गया है अपार्टमेंट को। इसमें 12 बिस्तर हैं, तीन भागों में है ये और हर भाग में दो बिस्तर इस तरफ और दो बिस्तर इस तरफ, कुल मिलाकर के ट्रेन के कंपार्टमेंट जैसा इस कंटेनर को बनाया गया है जिसमें कि बिस्तर है और पर्दे लगे हुए हैं। जो लोग कंटेनर में हैं उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी आगे आइए, जरा दिखाइए कि किस तरह का बिस्तर है। तो बिस्तर जो है वो ट्रेन के कंपार्टमेंट से थोड़ा सा जो है वो चौड़ा है, ये अगर हम इधर आए तो ज्यादा बेहतर हम दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये बिस्तर है और ये ओढ़ने के लिए पतला सा कंबल है, तकिया है, एक पानी पीने का बोतल भी है और साथ में चार्जिंग की सुविधा भी है। मोबाइल चार्ज करना तो जरूरी होता है आजकल। डस्टबिन, छोटा सा डस्टबिन भी कंटेनर के अंदर लगाया गया है और ऊपर एसी चल रहा है ताकि मौसम की जो मार है उससे बचा जा सके। गर्मी का मौसम है फिलहाल। बताइए
क्या दो रात गुजर चुके हैं, आज तीसरी रात है, तो कैसा कट रहा है? संघर्ष तो है लेकिन इतने बड़े मिशन पर निकले हैं तो एडजस्ट करना है, सहयात्रियों को भी परेशानी ना हो और समय भी निकले। दिखने में तो बड़ा आरामदेह लग रहा है, आराम हो रहा है क्या भैया? दिखने में आरामदेह लग रहा है लेकिन आरामदेह है नहीं। थकान दूर हो जा रही है, मैं देख रहा हूँ आपका पैर भी घायल है। जी छाले पड़ गए। थकान कैसे, थकान महसूस होती है लेकिन जो मकसद है वो सुबह उठने पे जो जोश रहता है। इन अपार्टमेंट्स में थकान निकल जाती है, ठीक ठाक रहता है, नींद आती है घर की तरह। हाँ, घर का माहौल है, सारा परिवार है, सारा परिवार। खिड़कियां भी हैं और ये पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप अपनी पूजा जो है वो जारी रखिए। तो इस तरह से कंटेनर के अंदर बिस्तर बनाए हुए हैं, ये 12 बिस्तरों वाला कंटेनर है जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कैंप में ही शौचालय आदि की सुविधा है, कपड़े धोने के लिए भी लॉन्ड्री का इंतजाम किया गया है। और एक पदयात्री है, राहुल रावण का नाम है, ये आपके हाथ में कपड़े हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये काउंटर बना हुआ है कि क्योंकि पिछले 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से कपड़े धुले नहीं हैं, तो लॉन्ड्री के लिए काउंटर बना है। तो सभी यात्रियों के लिए सुविधा है कि जहां हम अपने कपड़े देंगे तो 3 दिन बाद हमें वापस मिल जाएंगे। सोने के लिए बिस्तर, एसी, पंखा, कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री, आप लोगों को केवल पैदल चलना है? पैदल चलना है क्योंकि मौसम यहाँ पर ज्यादा कपड़े सूखने जैसा नहीं और हर दिन एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो पड़ाव नहीं है इसलिए कपड़े धो नहीं पाएंगे, इसलिए ये व्यवस्था की गई। का मकसद था कि कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत तो यहाँ कोई भी नहीं है क्योंकि दिक्कत हो तो भी जज्बा बहुत है। सुबह कितने बजे हो जाती है? मैंने सुना कि सुबह आप लोग 4 बजे 4:30 बजे जग जाते हैं। सुबह 12 लोगों का कंटेनर है तो लोग 3 बजे से 3:30 बजे से जगना शुरू हो जाते हैं और 5 बजे तक सारे लोग जग के तैयार हो जाते हैं। नाश्ता क्या मिलता है और कितने बजे मिलता है? सर नाश्ता हमें 7:30 मतलब सुबह 5 बजे नाश्ता मिल जाता है। 5 बजे नाश्ता करके निकलते हो? 5 बजे नाश्ता करके फिर उसके बाद हम 7 बजे निकल जाते हैं पैदल पैदल सर। दिन का खाना? दिन का खाना सर बीच में ही होता है, फिर वहाँ पे 10-12 बजे जहाँ रुकते हैं। कांग्रेस के एक नाइट कैंप में देखने के लिए कि किस तरीके की व्यवस्था है, तमाम कंटेनरों में हम जा रहे हैं और उन्हीं में से एक में हमें कन्हैया मिले तो हमने इनसे बातचीत करने के लिए इनको रोका। कन्हैया, भारत जोड़ो यात्रा में 2 दिन आप चल चुके हैं, 3 रात कंटेनर में गुजार चुके हैं, किस तरह की व्यवस्था है और क्या लग रहा है, संदेश पार्टी का पहुंच रहा है? देखिए, हम लोग ना लॉजिस्टिक्स में नहीं फंसना चाहते हैं, लॉजिक में बात करना चाहते हैं। लॉजिस्टिक्स में फंस गए ना फिर लॉजिक पीछे चला जाएगा। क्यों, लॉजिस्टिक्स में कुछ कमी है क्या? लॉजिस्टिक्स जो भी है जैसा भी है, एक बार जब बैग पैक करके झोला उठा करके आ गए हैं ना तो मंजिल पे पहुंच करके ही दम लेना है और मंजिल जब तक नहीं मिलेगी ना तब तक यात्रा करती रहनी है, 1, 2, 5, 50 चाहे जितनी भी। क्या मंजिल है? मंजिल है कि इस देश के राजनीतिक विमर्श से आम आवाम को गायब कर दिया गया है। आप देखिए, पूरे भारत यात्रा के दौरान भी, भारत यात्रा को लेकर के जो विपक्षी हमला कर रहे हैं तो वो भारत यात्रा के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, टी शर्ट की बात कर रहे हैं, कंटेनर की बात कर रहे हैं, मुद्दा क्या है? चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम वो भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा तो कर रहे हैं, देश को पता तो लगेगा कि हम भारत जोड़ो यात्रा जो है वो लॉजिस्टिक्स के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इस लॉजिक के लिए कर रहे हैं कि देश का मतलब होता है देश के लोग, परंपराएं, संस्कृतियां, ग्रंथ, शब्दावली, मान्यताएं, भाषाएं, बोलियां, इनको हमको जोड़ करके रखना है क्योंकि यही देश की ताकत है। हेमंत शर्मा कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर बंटवारा 47 में हुआ था, अगर कांग्रेस को अफसोस है तो राहुल गांधी पाकिस्तान जाएं और वहां से भारत जोड़ो अभियान शुरू करें। यही भाजपा की वैचारिक दरिद्रता है, मैं यही कह रहा हूं कि जब आप आजादी के आंदोलन की चर्चा करेंगे इनके पास एक भी आइकन नहीं है, एक भी नहीं, इनको गांधी के ही माला के मूर्ति पे माला चढ़ाना पड़ता है, सरदार पटेल का नाम लेना पड़ता है, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेना पड़ता है। वैसे ही जो है आज भी इनको कांग्रेसी की आलोचना करने के लिए, आलोचना तो वो है भी नहीं, हालांकि वो तो एक बहुत ही छिछली, अब कह लीजिए बहुत ही घटिया स्तर का जो है वो अपने नेता को खुश करने के लिए एक जो है तर्कहीन निंदा है, उनको आज भी एक पुराने ही कांग्रेसी की जरूरत पड़ रही है। महिलाओं की एक कंटेनर है, मैम मैं क्या 1 मिनट आ सकता हूँ दिखाने के लिए, अगर प्राइवेसी आपकी भंग ना हो रही हो तो। महिलाएं भी काफी संख्या में चल रही हैं इस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में, और थोड़ा सा अगर आप नीचे आ जाएंगे, कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से, नंदिता। हाँ जी, यस। तो कितने लोग हैं आप लोग और जो व्यवस्था है वो क्या पर्याप्त? हम 4 लोग हैं और हम अच्छी व्यवस्था है।
ठीक है। हाँ, बड़ी संख्या में महिलाएं भी चल रही हैं, तो उस हिसाब से साफ सफाई और सुरक्षा इंतजाम है। तो महिलाएं हम साफ सफाई खुद भी बहुत रख लेते हैं और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है और सब बढ़िया है। सुबह झंडा फहराने के बाद और प्रार्थना के बाद यात्री निकल पड़ते हैं, 3 घंटा सफर करते हैं, फिर पूरे दिन रुकते हैं। इस दौरान राहुल गांधी सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए स्थानीय लोगों से मिलते जुलते हैं, संवाद करते हैं, उनकी समस्या समझते हैं। फिर शाम के वक्त में 3 घंटे की यात्रा होती है और फिर इसी तरीके के एक नाइट कैंप में वो यात्रा समाप्त होती है अगले दिन की यात्रा की शुरुआत के लिए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, कन्याकुमारी। ABP News, आपको रखे आगे।